फेक मोबाइल चेक करने के लिए आपको जाना है गूगल पे। गूगल पे आपको यहाँ पे जाने के बाद सर्च ऑप्शन में आपको सर्च करने कर लेना है संचार साथी। तो जैसे ही आप संचार साथी यहाँ पे टाइप करते हो और सर्च करते हो तो यहाँ पे जो है आपको आपका जो है वेरीफाई का ऑप्शन मिल जाएगा, आप वेरीफाई कर लेना। फिर उसके बाद जो है आपको यहाँ पे कुछ सेकेंड के बाद आपको यहाँ पे संचार साथी की जो है वेबसाइट आपको दिख जाएगी। तो आपको जो है सिंपली इसके ऊपर टच कर लेना है और जैसे ही टच करते हो तो ये इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। आपको ऊपर स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे ब्लॉक योर लॉस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर टच कर लेना है। और यहाँ पे नीचे जो है आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा फिर से ब्लॉक योर लॉस्ट, तो आपको इस पर टच कर लेना है और इसके बाद आपको ये इंटरफेस आ जाएगा। फिर इसको जो आपको ऊपर स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के बाद जो है आपको यहाँ पे नीचे भी आपको एक और ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे नीचे ये वेब पोर्टल, वेब पोर्टल पे जो है आपको यहाँ पे टच कर लेना है। तो जैसे ही आप वेब पोर्टल पे टच करते हो तो ये इंटरफेस खुल के आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपको ऊपर देख सकते हो कैप्चा जो है दिया हुआ है आपको, जो है यहाँ पे ये जो है सेम कैप्चा आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। तो यहाँ पे हम कैप्चा टाइप कर लेते हैं F7R31HQ और यहाँ पे जो है आप अपना मोबाइल नंबर डाल देना, आपका जो फोन रहेगा तो यहाँ पे आपको जो मोबाइल नंबर डाल देना है और गेट OTP यहाँ पे जो है आपको जो है टच कर लेना है। और गेट OTP टच करते जो आपके फ़ोन में जो है OTP आ जाएगा, विद इन 2-3 सेकंड में जो है आपका OTP आ जाएगा। तो जैसे ही आपका OTP आता है तो आपको डायरेक्टली जो है यहाँ पे OTP आपको जो है टाइप कर लेना है आपका OTP। और OTP टाइप करने के बाद जो आपको यहाँ पे वेरीफाई OTP कर लेना है तो ये वेरीफाइड हो जाएगा, आपको यहाँ पे नीचे लिखा हुआ दिख जाएगा वेरीफाइड। तो वेरीफाइड जैसे ही लिखा हुआ आ जाएगा तो इसको जो है आपको ऊपर स्क्रॉल करना है, यहाँ पे IME नंबर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपने जो न्यू जो फ़ोन लिया है, सेकेंड हैंड फ़ोन आपने जो लिया है, उस सेकेंड हैंड फ़ोन का आपको IME नंबर यहाँ पे जो है टाइप करना है। तो इसके लिए जो है आप अपने जो है फ़ोन में जाके अबाउट में जाके वहाँ पे आप ये यहाँ पे आपको जो है IME नंबर दिख जाएगा तो आप वहाँ से भी ले सकते हो, या फिर *#06# टाइप करके भी आप जो है IME नंबर अपने फ़ोन का निकाल सकते हो। तो किसी भी तरह से जो है आपको अपना IME नंबर जो है ढूंढ लेना है और यहाँ पे जो है आपके फ़ोन का IME नंबर आपको टाइप करना है जो आपने सेकेंड हैंड फ़ोन परचेस किया है। तो जैसे ही आप जो है यहाँ पे पूरे डिजिट IME नंबर जो है जैसे यहाँ पे डाल दोगे, तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, आप यहाँ पे जो है IME नंबर टाइप कर दीजिए आपने जो पुराना सेकेंड हैंड फ़ोन लिया, और यहाँ पे जो है सबमिट कर देना है। तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे जो है पूरी डिटेल यहाँ पे आ गई है, IME नंबर वैलिड यानी कि ऑफिशियल जो है ये फ़ोन है ओप्पो का, यहाँ पे मॉडल नंबर भी लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चर एड्रेस भी लिखा हुआ है यहाँ पे स्मार्टफोन, तो ये वेरीफाई हो गया।